ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो दादी जी हमेशा कहती थी, जो भी करो प्यार से करो, समय बर्बाद ना हो, किसी के प्रति कोई संकल्प ना चले, ऐसा काम ना करो। अगर बाहर में मार्केट में जाती थी तो देर हो जाए तो दादी कहती थी, क्यों तुमको खबर करनी चाहिए, इतना देरी मेरे व्यर्थ संकल्प चले। क्योंकि तब कार की सुविधा, इतने पैसे नहीं थे, मार्केट पैदल जाना, सामान लेना, तो कहीं ना कहीं दुकान में देरी हो जाए तो कहती थी, मेरे संकल्प चलते हैं कि देर क्यों लगाई। तो मुझे फ़ोन, अब दादी फ़ोन कहाँ, तो मैं मार्केट में अगर कभी देर लगने का हुआ या मैं किसी ऑफिस वर्क से गई तो मैं यही देखती थी सड़क पर कि कहाँ किस बिजली के खंभे से, टेलीफोन के खंभे से किस दुकान में तार गई है, इसका मतलब इस दुकान वाले के पास टेलीफोन है। फिर मैं उसको जाके बोलती थी कि मेरा एक फ़ोन लगा दो, मुझे खबर करनी कि अभी मैं कितनी देर में घर पहुँचूँगी, तो दादी निश्चिंत हो जाते थे। तो इस तरह से दादी जी को बहुत रहता था कि कोई भी समय कहीं पर भी बर्बाद ना हो और वो चलता रहे, हर एक को सुख मिले, कभी भी कोई भी आए उसको प्यार से समझाना, प्यार से खिलाना। तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं दादी की रही और जो मैंने जीवन भर उनके साथ दिया, यहाँ तक कि दादी को रहता था कि मैं अपने ऊपर कुछ भी खर्चा ना करूं। कहती तो नहीं, यही जो बचत होगी यज्ञ की होगी, कोई सेवा में लगेगा, हमेशा कभी भी जूता चप्पल भी नहीं। बस उनकी जो भाभी अजमेर से भेज देती थी, उस समय 2 रुपये एक चप्पल होता था, वही पहनती थी घर बाहर। कहती थी नहीं, अपने ऊपर नहीं खर्च करना है, वो मुझे सेवा में लगाना है, यज्ञ में देना है। तो कभी भी अपने ऊपर दादी ने कुछ भी खर्चा नहीं किया। यहाँ तक कि लास्ट घड़ी जब दादी जी की तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल जाना हुआ तो दादी ने कहा, क्यों मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हो? तो कहा, बुखार है। कहती हैं, अच्छा, बुखार के लिए कोई अस्पताल जाना होता है क्या? लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डायरेक्ट ICU में भर्ती हुई। जब ICU में गई और बाद में जब कॉन्शियस में आई तो बोली, यहाँ क्यों इतना समझ आ गई कि मैं ICU में हूँ और इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी इतनी तो खर्चा लगता होगा, तो क्या ज़रूरत है मेरे ऊपर खर्च करने की? तो मैंने कहा, दादी आप जो है ना, एक पाई का खर्चा नहीं हो रहा, आप निश्चिंत रहो। बोली, सो कैसे? हमने कहा, कोई ना आपसे फीस ले रहा है, ना कोई डॉक्टर खर्चा ले रहा है, ना हॉस्पिटल वाले ले रहे। कहती, अच्छा, मेरा सब फ्री कर रहे। मैंने कहा, तो कहती, देखो ये तो फिर मेरे पे बोझ चढ़ रहा है, तो ऐसा करो इन्हों को सबको गिफ्ट दो और इसमें कोई AC वगैरह लगा दो ICU में, पूछो कहाँ कमी है, कोई बेड के आगे फैन चाहिए, तो कुछ तो करो मेरी तरफ से। तो मैंने कहा, हाँ दादी कर देंगे। तो मना उनको ये रहता था कि पहले तो खर्चा नहीं करना है और अगर किया है तो उसको उतना रिटर्न भी करना है, मुझे रिटर्न के रूप में दे दो। तो हर एक के रिटर्न का दादी को बहुत ख्याल रहता था कि उसको ऐसा कर देना है प्यार से। तो दादी के अंदर वो सहन शक्ति मैंने देखी कि कभी भी दादी ने ये नहीं कहा मुझे तकलीफ़ है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी कहती थी, जब डॉक्टर आते थे चक्कर लगाने राउंड पे, तो उनका ही हालचाल पूछती थी। तो सहन शक्ति भी बहुत थी और जो कोई आता था दादी के सामने कुछ दुखड़ा रोता था तो दादी के अंदर समाने की भी शक्ति, सुना और सुन के जैसे सच में गंगा जी में उसको विसर्जित कर दिया, कोई ना उस पर सोच, ना उसकी चर्चा, ना उसका संकल्प। और हमेशा दादी को ये रहता था कि परिवार जुड़ा रहे, किसी का परिवार बिखरे नहीं, क्योंकि बाबा आया है सुख शांति देने के लिए, तो वो परिवार कभी टूटे नहीं किसी का। तो एक ऐसा ही परिवार था जो बहुत नामी ग्रामी परिवार, 2 परिवार ऐसे थे और वो दोनों फिर बहनें बांदेली बनी। उनके हस्बैंड मना करने लग गए लेकिन दादी का व्यवहार इतना अच्छा था, तो एक को तो जैसे उसका पति कुछ कहता था या डांट मार पड़ती थी तो गुस्से में भाग जाती थी,
तो दादी उसके युगल को तुरंत फ़ोन करती थी कि देखो बिमला यहाँ आई है, आप ढूंढना नहीं, आप कोशिश नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, जब इसका गुस्सा ठंडा होगा तो एक दो दिन में मैं आपके यहाँ पहुँचवा दूँगी, भेज दूँगी समझा बुझा के। तो उनको दादी के प्रति बहुत प्रेम था। वो कहते थे ज्ञान गलत नहीं है, दादी गलत नहीं शिक्षा देती है, ये ज्ञान उल्टा उठा के ऐसे ऐसे करती है, ये ठीक से ज्ञान नहीं उठाती।